सो हेलो नमस्कार, कैसे का आ चुका है तुम्हारा अक्षय नए ब्लॉग के साथ, नए धमाके के साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, एक नए एपिसोड के साथ। सो गाइस, आज है गणपति का चौथा दिन और कल है लास्ट दिन। और आज अपने को आज इनका मौन व्रत है, मंडे को शिव जी के बहुत बड़े भक्त है। तो गाइस, आज है गणपति का चौथा दिन, कल है लास्ट दिन। और आज अपने घर पर थोड़ा बहुत प्रोग्राम रखा है, नाइट का भजन है, जागरण है, तो मज़ा आने वाला है जागरण में, भजन वजन होने वाला है। और दोपहर को थोड़ा कथा वथा है, तो आज मेहमान भी बहुत आ चुके, शाम को भी आएंगे, आज फुल एकदम मज़ा आएगा। और अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा बहुत सामान लेने, आज खेतों में जाने वाले सुना मैंने, खेतों में भी जाएंगे, तो आपको खेत भी दिखाता हूँ, मेरे इधर का नेचर दिखाता हूँ। और शाम को तो मज़ा ही कुछ अलग आने वाला है। मैंने जैसे बताया आपको, बहुत मेरे मेहमान आ चुके, मेरे स्पेशल गेस्ट आए, मेरे वेवन जी आए, मेरे स्पेशल गेस्ट है, सेठ बांसवाड़ा से आए, 100 किलोमीटर इधर से बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा से इधर आए, खाली मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। तो थैंक यू सो मच। अक्षय की बहन से मेरे लड़के की शादी कर। हाँ, मैंने जो बताया था ना, माया दीदी, उनसे मतलब इनके बेटे से शादी कर रही है, मेरे जिया जी से, मेरे खास एकदम। आरती की तैयारी चालू हो गई है, आज मैं गाने वाला हूँ आरती, ऐसे रेगुलर मैं ही गाता हूँ, मैं और मेरे जो बड़े पापा है वो गाते हैं, आज मैं गा रहा हूँ, वो नहीं है नहीं, अभी आरती की तैयारी चालू हो गई है। ये दिया विया सब लग रहा है, अगरबत्ती लग रहा है बड़ा वाला, आपको भी मजा आएगा। पूड़िया वूड़िया बन रही है, खाना वाना बन रहा है। और मैं अभी जाके भी आया, ये सब लेके आया हूँ, ये सब लेके आ चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ बाहर कैसी पूड़िया बन रही है। अभी सत्यनारायण की पूजा हो रही है और बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं, मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। अभी पीछे थोड़ा बहुत कुर्सी का सेटअप हो रहा है और अंदर भी मेहमान है, जैसे कुर्सी का सेटअप हो रहा है, अंदर भी मेहमान है, भजन वजन वाले आ रहे हैं अभी, तो आपको पूरा दिखाऊंगा मैं, उसका थोड़ा टाइम लगेगा। सो गाइस, राइट नाउ इधर भजन वाले आ चुके, आपको बैक साइड में थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, भजन वाले आ चुके, पीछे बैक साइड में आ गए, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता मेरे ब्लॉगिंग के लिए। वो लोग अभी थोड़ा सेटअप वेटअप कर रहे हैं, किधर बैठना है, अंदर बैठना है कि बाहर बैठना है, वो लोग सेटअप करेंगे, उसके बाद आपको दिखाऊंगा, थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक सुनाऊंगा। सो गाइस, राइट नाउ इधर भजन वाले आ चुके और अभी जब सेटअप कर रहे, तो ये सब सेटअप चालू है, इधर सेटअप चालू है क्या अभी, सेटअप कर रहे और अभी मज़ा आने वाला है, क्योंकि भजन का कुछ अलग ही लेवल आएगा, क्योंकि कुछ अलग ही मज़ा आने वाला है। और पीछे क्राउड दिखा था आपको, फुल क्राउड है, एंडिंग तक एकदम क्राउड है, एंडिंग तक पूरा क्राउड बैठा है, मज़ा आने वाला है आज। और अंदर महिला मंडल बैठा हुआ है पूरा, पानी वानी पिला रहे सब, सेवा चालू है। और इधर गणपति बापा की पूजा चालू है, सत्यनारायण की पूजा हो गई हो गई, और सब मेरे इधर भी बैठे हुए, तो फुल क्राउड आज, मज़ा आने वाला है, क्योंकि भजन की रात और जागरण की रात कभी भूल नहीं सकते।
गाइस मैंने इन लोगों को थोड़ा बहुत मेरे सॉन्ग मेरे जो भजन है वो मैंने इनको सजेस्ट किया है, मत कर माया को अभिमान। तो ये दादाजी अब मत कर माया को अभिमान गाएंगे। दादाजी हाँ सुनाएंगे। और मेरे सब व्यूअर्स है ना वो सब देखने ऑल ऑफ इंडिया ऑल ऑफ वर्ल्ड सब आपकी वॉइस सुनने वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कैर पे अरे बैठना तो कैर में भले साया ने तो कैरस हर की खिलू ये हाँ खाना तो माँ का हाथ का साइज जहर क्यों नहीं हो इतनी कही हुई कि बैठना भाइयों में साइज जहर क्यों नहीं हो चलना सड़क पे साइज फेर क्यों नहीं हो बैठना साया में साइज क्योर क्यों नहीं हो ले खाना माँ के हाथ का साइज जहर क्यों नहीं हो। ऑल राइट गाइस सुबह के 4 बज रहे, आपको टाइमिंग भी दिखाता हूँ, 4:02 हो रहा है, जो उल्टा दिखता है तो अभी 7 दिख गया कैमरे में, तो आप समझ सकते हो सुबह के 4 बज रहे, 7 बजे इतना उजाला नहीं होता है, उजाला मतलब इतना अंधेरा नहीं होता है। तो अभी सुबह के 4 बज रहा है, जागरण चालू है, अभी भी भजन वाले जा चुके, अभी हम खुद भजन करेंगे इसके नाना पाटेकर अनिल कपूर और परेश रावल और कौन है अपना राजकुमार पहला मैं उसका फूटूगा वो जो आता संदीप जी राजपाल यादव उसके भजन चालू है अभी हम वो देखेंगे। थोड़ी बहुत इधर पब्लिक बैठा हुए हम 4 जने बैठे हुए जागरण कर रहे हैं, जागरण मतलब जागरण, बाकी सब सो गए ने सब सो गए साहब सब सो गए साहब अरे हम ही जागता है क्या, शीशे पे आँख पे तेल नहीं डालते, तेल में आँख नहीं डालते, चलो सो जाओ।